व्हेल बेसिकली इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर है। इनफैक्ट ब्लू व्हेल जो है अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी एग्जिस्टिंग क्रिएचर है, और ये असल में एलिफेंट और जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी इस दुनिया में रहते हैं उन सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो जीव होता है सिर्फ वही एक हाथी के वजन से भी ज्यादा होता है, और अगर इसके टोटल वजन की बात करें तो वो तकरीबन 200 टन से भी ज्यादा हो सकता है। पर इतना बड़ा होने के बावजूद भी सारे क्रिएचर की तरह व्हेल भी मरती है, और जब व्हेल मर जाती है तो उससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो आइए जानते हैं बेसिकली वो कौन से प्रॉब्लम है। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाच एवल फैक्ट, तो मैं हूं आपका दोस्त AKM। देखो जब व्हेल मरती है तो वो ओशियन बेड में बहुत सारे सी क्रिएचर का सालों का खाना बन जाती है, और उसके बाद जो उसका स्केलेटन बच जाता है वो बहुत सारे सी क्रिएचर का शेल्टर का भी काम करता है। पर बहुत बार ओशियन करंट की वजह से जो व्हेल की डेड बॉडी होती है वो असल में बीचेस तक पहुंच जाती है। बेसिकली हर साल सैकड़ों व्हेल मरती है, लेकिन उनमें से कुछ एक्सीडेंटली बीचेस तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद मेन प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि जब इतनी बड़ी डेड व्हेल बीच तक पहुंचती है तो बहुत बार ऐसा चांस होता है कि वो व्हेल फट जाती है। जी हाँ, वो एक्सप्लोड कर जाती है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा डेंजर बनाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई व्हेल की डेथ होती है तो उसका जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे गैसेस भी फॉर्म होने लगती है। और क्योंकि व्हेल की जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा टफ और मोटी होती है, जिसके वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके वजह से व्हेल के अंदर गैस भरने लगता है। और जब भी व्हेल बीचेस से टकराती है तो उनके जो माउथ जैसे ओपनिंग होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से ये केस और ज्यादा सीरियस होने लगता है। तो जब भी मरीन बायोलॉजिस्ट को इस जगह पे बुलाया जाता है तो वो सबसे पहले इस बॉडी पे कट करते हैं, जिसके वजह से जो भी गैसेस है वो बाहर निकल सके और व्हेल बिल्कुल भी एक्सप्लोड ना हो। लेकिन कभी कभी कट लगने के बावजूद भी गैसेस के कंटिन्यूस बाहर आने की वजह से बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, और इस चीज का एग्जांपल हम लोगों ने फेरोई आइलैंड में 2013 में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कट लगाते वक्त वो जो डेड व्हेल था वो अचानक से एक्सप्लोड कर गया। और अगर सही तरीके से कट नहीं किया गया तब भी बहुत ही भयानक तरीके से व्हेल फट सकता है। इसलिए आप जब भी कोई डेड व्हेल देखे तो उससे हमेशा दूरी बना के रखे, और खुद कभी भी कोई भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जान तक ले सकती है। और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हेल के डेड बॉडी से कितना बुरा हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली 2004 में ताइवान में एक डेड स्पर्म व्हेल बीच के किनारे आ गई, तो इसे उन लोगों ने ट्रक में डाल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लेकर जाने लगे, ताकि बच्चे इसके बारे में अच्छे से पढ़ सके। लेकिन इसे ले जाते वक्त व्हेल अचानक से ही स्ट्रीट पे एक्सप्लोड हो गई, जिसके वजह से उसके पास जितने भी व्हीकल और शॉप्स थे वो सब भी उसके साथ साथ एक्सप्लोड हो गए, और पूरा ऑर्गन फ्लैश और ब्लड हर जगह फैला हुआ था। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि डेड व्हेल कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।